स्टैंड अप कॉमेडियन अभिजीत गांगोली। माय नेम इज अभिजीत गांगोली, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए हूँ। इट वॉज ईदर मी या तो दो बेली डांसर्स फ्रॉम लेबनन। प्रोडक्शन वालों ने मुझे चुना। कट गया सर भाई, क्या किया यार। चलो एनीहाउ, बट एक्चुअली काफी एक्साइटेड हूँ मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म करने में। हरभजन सर बिग फैन, बहुत बड़ा फैन मैं। पहली बात तो आप बहुत ज्यादा फनी हो, आप नेचुरली भी जो स्टोरीज कह रहे थे बहुत ज्यादा फनी, और सच बताओ तो इतना फनी नहीं होते। सही बात है, हमारे पेट पे लात मारने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सर आपकी हर कहानी में शीशांत ही है। वो आलू है। हाँ? वो आलू है, वो हर जगह पाए जाते हैं। मुझे तो लग रहा था आप जो मालदीव्स में बोल रहे थे ना कि वो फोटो कोई और खींच रहा था, वहां पर भी आप शीशांत को ही डाल दोगे। थोड़ा अपने बारे में बोलना चाहूंगा, मैं मैरिड हूँ। सर आप, हरभजन जी आपकी शादीशुदा है ना? हाँ जी। कैसी चल रही है सर शादी? बस जैसी आपकी। इतना ऑनेस्ट नहीं होते सर लाइव टीवी में। मैं तो कॉमेडी करके निकल जाऊंगा, आपको तो घर जाना है वापस। पर मैं शादीशुदा हूँ, मैं काफी ज्यादा शादीशुदा हूँ, मैं बहुत ज्यादा शादीशुदा मैं इतना ज्यादा मैरिड हूँ कि मैं कभी कभार कुछ वाइफ से कुछ पूछने से पहले मेरा एक दिमाग में रिहर्सल पूरा कॉन्वर्सेशन हो जाता है। कि मैं ये बोलूंगा फिर वो ये बोलेगी, फिर मैं ये वाला पॉइंट दूंगा, पर फिर वो दो महीने पहले वाला वो भी तो ले आएगी यार। और ऑफ कोर्स जब मैं ये सब सोच रहा हूँ तो शी इज राइट देयर गोइंग, व्हाट आर यू थिंकिंग? इंडिया मैच। पर काफी कुछ पता चला है, मैं ये ना पहली बार है आई एम स्टेइंग विद अ फीमेल, इससे पहले ज्यादातर लड़के दोस्ती रहे एंड बड़ा भाई, तो पहली बार मैं लिविंग विद अ फीमेल, तो काफी कुछ पता चल रहा है अबाउट द फीमेल वे ऑफ लाइफ। जैसे बालों का बहुत सीन होता है आप लोगों का। सीन बहुत ज्यादा सीन होता है, लाइक मेरी बीवी कभी वो नींबू लगा रही है, कभी प्याज लगा रही है, कभी दही लगा रही है, अंडा चाट बना रही है यार वो बालों पे। मैं विनेगर लेके आया कि रात को चाइनीज के साथ खाऊंगा, शाम को वो लगा गई। मैं सूंघ के फील लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब काफी कुछ पता चल रहा है। जैसे कोई एनी फीमेल, एनी कोई भी लड़की ना किसी भी और लड़की के साथ हाफ एन आवर का डिस्कशन कर सकती है अबाउट बाल इशूज। कोई भी, बहुत कुछ मैरिड लाइफ से इतना सब कुछ पता चला ना। लाइक शादी होने से पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि अंडरवेयर कैन बी फोल्डेड। तय हो सकते प्रॉपर ऐसे। मुझे बाकी भी नहीं मालूम था कि अंडरवेयर फोल्ड हो सकते हैं। करके देखना जाके। हाँ वो बोलिए, अब ये पता नहीं फोल्ड कितने करने, डिपेंडिंग ऑन कच्चा कितना लंबा है। लाइक शादी में से मेरे को मालूम ही नहीं था कि कुछ शर्ट्स लाइक ऊपर का कैन नॉट बी वॉर्न विद सम जींस या ट्राउजर्स नीचे का, बिकॉज एज अ कॉम्बिनेशन वो सही नहीं बैठता। लाइक मुझे कुछ दिन पहले कहीं स्मार्ट कैजुअल्स में जाना था, स्मार्ट कैजुअल जहाँ, तो मैंने एक ब्लू शर्ट पहनी और मैंने ब्लू जीन्स पहनी एंड आई आस्क्ड माय वाइफ, मैंने उससे पूछा कि ये सही लग रहा है क्या, ये सही है? शी इज लाइक, एंड मैंने कभी कुछ बोला है क्या तुम्हें आज तक, कभी कुछ भी बोला है? लाइक सही। फिर मैं जूते पहन लगे, मैंने एक जूते पहना, दूसरा जूते का आखिरी फीते बाद नहीं आता है, खुद भी लग रहा है जो पहना घटिया सा लग रहा है। ना इस पॉइंट पे मैं सोच रहा हूँ यार क्या बकवास है, जो बोलने एक ही बार में बोल दे। बट अगर मैं वो बोलता शी वुड हैव बीन लाइक, अच्छा जब तुम मुझे बोलती हो मैं तो इतना स्पोर्टिंग ही लेती हूँ। जिसको मैं बोलता, बट मैं तुझे कभी कुछ बोलता ही नहीं हूँ। टू विच शी वुड हैव रिस्पोंड, अच्छा मैं तुम्हारे सर पे नाचती हूँ नहीं। तो मेरा ये पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ मेरे ही दिमाग में। एंड ऑफ कोर्स वाइफ इज राइट देयर गोइंग, व्हाट आर यू थिंकिंग? इंडिया मैच आ गई। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू। मैडनेस ऐसे ही जारी रहेगी अगर आप साथ रहेंगे।